चलिए इसी के साथ अब अगले अपडेट की ओर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट मुरैना से बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पैर में लगी गोली, लेपा हत्याकांड के मुख्य आरोपी है बदमाश। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बदमाशों पर जो है 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। महुआ थाने के उसेद घाट का यह मामला है। मुरैना से बड़ा अपडेट, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुठभेड़ के दौरान जो है पुलिस ने गोली मारी, जिसके चलते एक बदमाश के पैर पर गोली लगी और घायल अवस्था में उसे अस्पताल या भेजा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस वाले भी मौजूद है और बदमाशों को भी हम देख सकते हैं। स्ट्रेचर की मदद से जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने जो हम लोगों ने टीम्स लगाकर इनको घेरने का प्रयास किया और इनको सरेंडर करने के लिए बताया गया, लेकिन किंतु इनमें से जो मेन आरोपी था, उसके द्वारा जो उसका हथियार था 315 बोर की उसकी राइफल थी, उससे उसने फायर किया पुलिस पर। तो जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने उन पर फायर किया, तो उनमें से जो मेन आरोपी है उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और उसको और उसके जो भाई लगता है भूपेन, दोनों को हम लोगों ने मौके से राउंड अप किया। चुलेसी के साथ हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ मुरैना से जुड़ चुके हैं। मुरैना यहाँ पर विनोद, यहाँ पर देखा जा रहा है कि मुरैना से जो है बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को मिली है। 30,000 के जो बदमाश आरोपी है उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैडम, ये जो हत्याकांड हुआ था, इसके ये दो मेन आरोपी है अजीत और भूपेंद्र। पुलिस की टीम लगातार सर्चिंग कर रही थी और दबिश दे रही थी, यहाँ उनकी रिश्तेदारियां हैं और जहाँ भी इसका मूवमेंट हो सकता है उस जगह पर। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उसैद घाट से चंबल पार करके राजस्थान की ओर जा रहे थे, तभी पुलिस ने वहां दबिश दी और पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायर कर दिया। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया तो अजीत के पैर में गोली लगी और दूसरे भूपेंद्र को भी वही लोगों ने दबोच लिया। अभी तक इनसे कोई पूछताछ किसी प्रकार की है पुलिस ने? अभी तो फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी फिलहाल की क्या अपडेट है? अभी यह है कि जो घायल है अजीत को अभी उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भूपेंद्र और कल जो सोनू कोमर पकड़ा गया था, इन लोगों से अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें 10 आरोपी बनाए गए थे। अभी तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 4 आरोपी अभी भी इस हत्याकांड से फरार कर रहे हैं, जिन लोगों पर 30,000 रुपए का अभी इनाम घोषित है और इन पे भी 30,000 रुपए का इनाम घोषित था और कल भी पकड़ा गया था, उस पर भी 30,000 रुपए का इनाम घोषित था। ऐसे मानो के 3 लोगों को पुलिस ने 30,000 रुपए की इस घटना में सम्मिलित थे, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो घायल है उसका जिला अस्पताल में अभी उपचार कराया जा रहा है। जी विनोद, क्या लगता है आने वाले समय में ये जो बदमाश है ये कई सारे खुलासे कर सकते हैं क्या? कई सारे बदमाशों तक और पुलिस को पहुंचा सकते हैं? जी जी, इनसे पूछताछ के दौरान जरूर पुलिस को मालूम लगेगा और जो फरार है इस घटना के, जो 4 आरोपी फरार चल रहे हैं, उनको भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी क्योंकि पुलिस की टीम है जो लगातार भिंड, ग्वालियर, दतिया और यूपी तक लगातार उनकी जो एसटीएफ की टीम है जो लगातार दबिश दे रही है और इनके हर मूवमेंट पर पुलिस नजर रख रही है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, अपडेट आपको दिया मुरैना से, जहां 30,000 के इनामी दो आरोपियों को, दो बदमाशों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में ये बदमाश जो है और भी इनके आगे सरकने का खुलासा कर सकते हैं।